फॉर अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द वर्टिकल वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स वेरी कर रहा है. काइनेटिक एनर्जी पोजिशन ग्राफ इज गिवन बाय, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोजिशन ग्राफ हमें दिया गया है एक फोर्स के लिए जो कि क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी भी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी वेरी कर रही है, ठीक, और उसका एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा होगा. फोर्स और एक्स में हमें ग्राफ दिया गया और यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं. इसमें पूछा गया है एट ए पार्टिकल इज डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट से, मतलब कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन की ही बात हो रही है. चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या बन जाएगा, डी के ई डिवाइडेड बाई डी एक्स इस ग्राफ की स्लोप बन जाएगी. इस ग्राफ की क्या बन जाएगी, स्लोप बन जाएगी. वो बराबर होगा किसके, हाफ एम वी स्क्वायर डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स. क्या मैं लिख सकता हूँ डी के ई डिवाइडेड बाई डी एक्स मतलब स्लोप इज इक्वल टू हाफ एम टू वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स. टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो डी के ई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एम इन टू ए वी डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स. क्या होता है ए, ए मीन्स क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि स्लोप डी के ई डिवाइडेड बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है और स्लोप जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा. तो देखते हैं यहाँ पर स्लोप कहाँ पर सबसे ज़्यादा है. यहाँ पर स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर इस तरीके से स्लोप बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से स्लोप बन रहा है. तो सबसे ज़्यादा जो स्लोप हमें मिल रहा है वो पॉइंट डी पर मिल रहा है, ठीक. तो पॉइंट डी पर जो होगा हमारा स्लोप सबसे ज़्यादा होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम होगा. तो एट पॉइंट डी पार्टिकल हैज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है.